सीहोर की, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। निजी स्कूलों में परिवहन नियमों का पालन नहीं हो रहा है। स्कूल बसों में बच्चों को ठूस ठूस कर भरा जा रहा है। बसों में सुरक्षा के कोई भी इंतजाम नहीं है। सीहोर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बसों में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है, साथ ही निजी स्कूलों में परिवहन नियमों का पालन नहीं हो रहा है। स्कूली बसों में बच्चों को ठूस ठूस कर भरा जा रहा है। सुरक्षा नियमों को ताक पर रखकर परिवहन नियमों का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा है। सीहोर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां निजी स्कूलों में परिवहन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। स्कूलों में, स्कूली बसों में परिवहन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बसों में, स्कूली बसों में बच्चों को किस तरीके से ठूस ठूस कर भरा गया है और सुरक्षा को बिल्कुल ही ताक पर रख दिया गया है। बसों में सुरक्षा के कोई भी इंतजाम नहीं है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं सीहोर से। देखिए, आपके द्वारा मेरे संज्ञान में ये आया है कि बुधनी में जो डीडी कॉन्वेंट स्कूल है उसमें ये इस तरह की जो है अनियमितताएं पाई गई हैं। तो जहाँ तक सवाल है कि बच्चों को अगर बस में ठूस ठूस के भरा जा रहा है, तो ये तो बहुत गलत है। हमने हमेशा हर जगह प्राइवेट स्कूलों पर ये ऐसे मौखिक और लिखित निर्देश जारी किए हुए हैं कि जो RTO के नॉर्म्स हैं उसको उनको पूरा करना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये तो बहुत ही गलत है। वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो कि सीहोर से आ रही है। तस्वीरों में आपने देखा कि बच्चों को किस तरीके से स्कूल बसों में ठूस ठूस कर भरा जा रहा है और सुरक्षा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। निजी स्कूलों में इस तरीके की लापरवाही बढ़ती जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीहोर से संवाददाता शैलेंद्र विश्वकर्मा जुड़ रहे हैं। जी शैलेंद्र, जिस तरीके से तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि स्कूल बसों में इस तरीके से बच्चों को भरा जा रहा है और बिल्कुल भी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले पर? मैं बताना चाहूंगा कि ये डीडी स्कूल है, बुधनी के अंदर डीडी गवर्नमेंट स्कूल है और यहाँ पे जो बसें हैं, इन बसों पे ना तो RTO द्वारा नंबर जारी किया गया इन बसों पे, और जब RTO और शिक्षा अधिकारी से बात कर की, उन्होंने ये बताया है कि हमारे संज्ञान में नहीं है। जैसे ही आपने, आपके द्वारा हमारे संज्ञान में आया, हम इससे जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसको कार्रवाई करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका शैलेंद्र।